नव्य अयोध्या से बदलेगी तस्वीर। 6 दिसंबर को 1200 एकड़ में वैदिक सिटी का होगा शुभारंभ। 1992 में विवादित ढांचा गिराने से इस तिथि की 2 दशक पुरानी पहचान बदलेगी। विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं समेत कई राज्यों के बनेंगे अतिथि गृह। दिसंबर माह में विजन डॉक्यूमेंट की विभिन्न योजनाओं समेत होंगी इन्वेस्टर मीट। अयोध्या में राम मंदिर की नींव के निर्माण का दूसरा चरण अंतिम दौर में है। दिसंबर माह में नींव के प्लिंथ के निर्माण के साथ ही नींव निर्माण का तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद नींव की फर्श पर पत्थर लगाने का काम किया जाएगा। राम मंदिर की नींव के निर्माण के साथ ही रामलला परिसर तक जाने वाले कई मार्गों को भी चौड़ा किया जा रहा है। रामनगरी के लिए दिसंबर का महीना काफ़ी अहम है। 6 दिसंबर को अयोध्या में 1200 एकड़ में नव्य अयोध्या की नींव का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। इसी समय यहां रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि पूजन किया जाना है। दिसंबर माह में ही अयोध्या के विकास के लिए कई 1000 करोड़ की परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। इन सब से अयोध्या में नए युग का सूत्रपात होगा। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं इस हफ्ते राम मंदिर निर्माण की प्रगति और अयोध्या की विकास यात्रा के बारे में। बारह एकड़ में बसेगी वैदिक सिटी नव्य अयोध्या। रामनगरी को विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं से युक्त मेगा सिटी बनाया जाएगा। यहां 1200 एकड़ में वैदिक सिटी बसाई जाएगी। इस मेगा ग्रीन टाउनशिप योजना का शुभारंभ 6 दिसंबर को प्रस्तावित है, क्योंकि यह दिन अयोध्या के इतिहास में खास महत्व रखता है। 9 दिसंबर 2019 को राम मंदिर पर फैसला आने से पहले इसी दिन 1992 में विवादित ढांचे को ढहाया गया था। वैदिक सिटी के शिलान्यास के बाद अयोध्या प्रगति की सूचक बन जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों वैदिक सिटी का भूमि पूजन होते ही माझा इलाके में मशीनें उतर जाएंगी और तेजी से कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दिसंबर माह में विजन डॉक्यूमेंट की विभिन्न योजनाओं समेत अयोध्या में इन्वेस्टर मीट जैसे प्रमुख आयोजन भी प्रस्तावित हैं। अयोध्या में विकास के लिए 257 परियोजनाओं पर काम होना है, लेकिन इनमें वैदिक सिटी ग्रीन साउंड चिप यानी नव्य अयोध्या प्रमुख है। यहां कई राज्यों के एक तरह से दूतावास भी बनेंगे। नव्य अयोध्या के लिए 60% भूमि अधिग्रहित। नव्य अयोध्या सिटी विश्व स्तर की आधुनिक पर्यटन सुविधाओं वाली सिटी होगी। इसे सरयू नदी के किनारे बसे 3 गांव माझा बरहेटा, माझा तिहुरा और माझा शाहनवाजपुर में बसाया जाएगा। तीनों ग्राम सभाओं की कुल 1200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, जिसमें से अब तक लगभग 800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें माझा शाहनवाजपुर की 90% भूमि किसानों से सहमत के आधार पर ली जा चुकी है। माझा बरेटा और माझा तिहुरा में भी 50% से अधिक भूमि आवास विकास विभाग ले चुका है। आवास विभाग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 6 दिसंबर को नव्य अयोध्या के शिलान्यास का समय मांगा है। 6 दिसंबर को ही रिवर फ्रंट और रामनगरी की भीतरी सड़कों का भी शिलान्यास प्रस्तावित है। दिसंबर में ही आयोजित इन्वेस्टर समिट में देश के प्रमुख औद्योगिक समूह कम से कम 5000 करोड़ रुपए का अयोध्या में निवेश करने की घोषणा कर सकते हैं। रामनगरी में 21 एकड़ में बनेगा रामायण विश्वविद्यालय। रामनगरी में भगवान राम पर शोध करने के लिए 21 एकड़ में रामायण विश्वविद्यालय बनेगा। इसकी रूपरेखा महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट ने बनाई है। इसका शिलान्यास 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं।
ट्रस्टी श्रद्धानंद श्रीवास्तव के अनुसार रामायण विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के बाद निर्धारित विभाग खोले जाएंगे। विशेष रूप से रामायण शोध से जुड़े विभागों को पहले खोला जाएगा। इसके साथ ही संस्कृत और हिंदी भाषा को विश्वविद्यालय में प्रमुख स्थान दिया जाएगा। यह विश्वविद्यालय भगवान राम के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं पर आधारित होगा। यहाँ ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे छात्रों को त्रेतायुगीन संस्कृति और सभ्यता की सीख मिल सके। विश्वविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत 30 नवंबर से हो जाएगी। इसके बाद नींव पूजन का कार्यक्रम होगा। संपर्क मार्ग से राम जन्मभूमि तक बनेगा नया रास्ता। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के अनुसार दिन ब दिन रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है। मंदिर बन जाने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होगी, इसलिए राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले दो मार्गों को चौड़ा किया जाएगा। एक मार्ग हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक और दूसरा मार्ग सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि तक जाता है। इन दोनों मार्गों के अगल बगल की संपत्तियों को खरीदा जा रहा है। सुग्रीव किला मार्ग की संपत्ति को शासन ने खरीद लिया है। अब सुग्रीव किला के मार्ग की चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवन और संपत्तियों को हटाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि मार्ग के चौड़ीकरण के लिए रास्ते में आने वाले भवन स्वामियों से जमीन खरीदी की प्रक्रिया चालू है। शहादतगंज से नया घाट मार्ग को भी चौड़ा किया जाएगा ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इन मार्गों पर चलते समय श्रद्धालुओं को रामायण के प्रसंग सुनाई देंगे, यानी सब कुछ रामायण कालीन होगा। रामलला के दर्शन के लिए मिलेगा ज्यादा समय। आतंकी संगठनों के निशाने पर रही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के कारण यहाँ की संवेदनशीलता भी बढ़ गई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए नए सिरे से अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यूपी के एडीजी सुरक्षा एसएन साबत का कहना है कि अयोध्या की सुरक्षा हमेशा महत्वपूर्ण रही है। मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में श्री राम लला विराजमान हैं, साथ ही साथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। ऐसे में दोनों जगह की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। राम जन्मभूमि क्षेत्र में मॉडर्न कंट्रोल रूम की स्थापना होगी, तब एक ही जगह से पूरी अयोध्या के सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। दुराही कुआं के पास 12,000 स्क्वायर मीटर जमीन पर कंट्रोल रूम का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के दर्शन की अवधि को बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहा है। इस समय रामलला का दर्शन दो पाली में हो रहा है। पहली पाली में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक दर्शन होता है। इस दौरान 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु रामलला का दर्शन करते हैं। समय सीमा बढ़ाने से ज़्यादा लोग भगवान श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। दर्शन मार्ग पर बैगेज स्कैनर और टायर किलर्स। अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि रामलला के दर्शन मार्ग पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। सभी दर्शन मार्ग पर श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम तो होंगे ही, सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था होगी। दर्शन मार्ग पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। प्रकाश, पेयजल और भक्तों के बैठने की भी व्यवस्था होगी। बैगेज स्कैनर और टायर किलर्स भी लगाए जाएंगे, जिनकी मॉनिटरिंग भी मॉडर्न कंट्रोल रूम से ही होगी। बैगेज स्कैनर से श्रद्धालुओं के सामान की जांच की सुविधा पूर्वक हो सकेगी। साथ ही यदि कोई गाड़ी जबरन दर्शन मार्ग के अंदर आने की कोशिश करेगी तो कंट्रोल रूम से एक बटन दबाते ही टायर किलर्स अपना काम करेंगे। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में 70 CCTV कैमरे लगे हैं। ATS, STF और IV की यूनिट भी अयोध्या में स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश जोरों पर की जा रही है। PAC बटालियन के लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है। कुल मिलाकर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है।
मंदिर की फर्श में लगेगा दक्षिण भारत का ग्रेनाइट। राम मंदिर निर्माण का तीसरा चरण दिसंबर माह में शुरू होगा। तीसरे चरण में मंदिर की नींव और प्लिंथ की फर्श पर पत्थर लगाए जाएंगे। फर्श पर बेंगलुरु के यशवंतपुर के ग्रेनाइट पत्थर लगेंगे तो प्लिंथ का निर्माण मिर्जापुर के बलुआ पत्थरों से होगा। बलुआ पत्थरों की साइज 2x2 फुट की होगी। इन पत्थरों की अब तक 30% आपूर्ति हो चुकी है। ग्रेनाइट पत्थरों की साइज भी 2x4 फुट की होगी। दिसंबर माह तक मिर्जापुर और बेंगलुरु से पत्थरों की पूरी खेप अयोध्या पहुंच जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक दिसंबर माह से पत्थरों से प्लिंथ निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस तरह अयोध्या दिन ब दिन बदल रही है। राम भक्त मित्रों, राम मंदिर का निर्माण का ये शो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, कार्यक्रम को शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में इस शो के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जा सके।